नमस्ते तसीदिले प्रेस द लॉर्ड मेरा नाम रेवरेंड दोंगसांग कुू तवंग चर्च की परमर पास्तोर मैं तवांग सिक्स टू थाउजेंड लेवन से लेके एट सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी तक में तवंग चर्च क्रिश्चियन रेबेवल चर्च का पास्तोर में है तो इसलिए आज तवांग चर्च का इशू पूरा अरुणाचल में तवांग में पूरा फेसबुक व्हाट्सएप में पूरा हला हो रहा है इसलिए मैं आज फिर एटीन को भी रैली होने जा रहा है इसलिए मैं इस ग्राउंड लेवल वहाँ शुरू करने वाला जब तवांग चर्च आरसीसी शुरू मेरा समय में ही शुरू किया है इसलिए इसका बारे में मैं आप सभी को बताने के लिए आज अरुणाचल मेडोर न्यूज़ का द्वारा से मैं आया है तवंग तो चर्च का बारे में बहुत सा लोग बोलता है डंपिंग भी बोल देता है बहुत सा लोग पब्लिक जगह में है ऐसे भी बोल देता है वो सब बात को सुनकर हर एक जो भी बोलता है तो हर एक बोला वाला को सुनकर हमको इतना शांति नहीं लगा क्योंकि वो शुरू करने वाला तो हमने शुरू किया जब आरसीसी चर्च को शुरू करने वाला तो इसलिए मैं मेरा दिल में व्हाट्सअप में फेसबुक में तवांग चर्च के बारे में जब सुनकर मैं नहीं बैठ सका तो इसलिए मैं आज इस न्यूज़ का मीडियम से मैं आप सभी को बता रहा है तवांग चर्च का वो रिकॉर्ड तो आप लोग देखा है अभी भी आप लोगों को मैं दिखा देगा कि तवांग चर्च का इनकमेंट बहुत को भी दिखा देगा और फाउंडेशन स्टोन को भी आप लोग को दिखा देगा और वो जगह को भी मैं दिखा देगा आप लोग उस फोटो में अच्छा से देख लीजिए उसमें क्या सच है या झूठ ऐसा हो कि वहाँ में तमाम चर्च का जगह एक समय में वो रिजेटेड जगह है वो दल दल जगह है अभी भी हर एक जाके चेक कर सकता है कि वो दल दल जगह है और नीचे में अर एग्जूटिव इंजीनियरिंग आर डब्ल्यू डी का और चीफ़ इंजीनियरिंग पीडब्ल्यूडी का और वहाँ में डीमो ऑफिस वो सब भी आज वो सब ऑफिस है लेकिन जिस दिन तवांग चर्च को शुरू किया उस समय में वो सब भी नहीं है और दूसरा तरफ में दिखाई देगा वो रास्ता वो रास्ता लोग भी जब तवांग चर्च हुआ उस समय में वो रास्ता लोग भी नहीं हैं आज धीरे धीरे करके जब तवांग चर्च क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च उस नाला में उस दल दल जगह में जब चर्च बन गया तो लोग देखकर धीरे धीरे उस जगह में डेवलप करना शुरू कर दिया आर डब्ल्यू डी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ऑफिस को बना दिया चीफ इंजीनियरिंग ऑफिस को वहाँ बना दिया डीमो ऑफिस को वहाँ बना दिया और सामने में डी पी कोटार को बना दिया ऐसा करके डेवलप होने के बाद में आज बोलता है कि ये पब्लिक जगह है बोल के बोलता है इस बात को मैं देखकर सुनकर मुझे शांति नहीं लगा तो ऐसा हो कि आज मेरा कहने का ये है कि आज तवांग में हम लोग आर सी चर्च बनाने का अर्थ मेरा ऐसा था कि जब मैं वहाँ में पास्टर शिव में था उस समय में आ, वो चर्च है गाय गोद से भी खराब चर्च था और जब वहाँ से किचार लोग मती लोग सब आ जाता है तवांग ठंडा जगह है ऐसा होने का द्वारा से मैं वहाँ में ऐसे पास्तौर ऐसे जगह को देखकर मैं फिर वापस ट्रांसफर चला जाता है होने से दुख का बात है उसको देख कर सुनकर मैंने लगा कि छोटा सा छोटा को शुरू करके जाएगा मैंने ये सोच के 2014 से मैंने प्लान लिया है इसका बाद 2015 में फाउंडेशन स्टोन को भी आप लोग को दिखा दिखा देगा अभी वीडियो में तो ऐसा करके जब शुरू कर दिया शुरू शुरू करने के बाद में जब अगस्त 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 नाइनटीन को गवर्नमेंट से और दर दे के रुकाना शुरू कर दिया तो ऐसा करके हम लोग अलाउटमेंट के लिए मैं कभी लैंड ऑफिस इतानगर में कभी गया नहीं सेक्रेटरीट ऑफिस को भी, भी गया नहीं है ऐसे करके वो सब चीज़ को आ, मैं पास्तौर का तरफ से भी मैं बहुत अलाउमेंट के लिए कोशिश किया है और तवांग डीसी ऑफिस में तो उस ज़मीन का बारे में लेके कितना गया है लेकिन हुआ नहीं है तो ऐसा होने का द्वारा से मैं वहाँ से वापस चला गया ट्रांसफ़र अभी रूपा में रूपा क्रिश्चियन बेबल चर्च में मैं पास्टर में है तो इसलिए मैं आज आप सभी को ये बता रहा है कि ये आने वाला इस महीना का एटीन में भी क्रिश्चन लोग रैली होने जा रहा है इससे आगे मैं ये खबर आप लोग को मेरा तरफ़ से ये बोलना चाहता है कि तवाओं वालों आप सभी को भी मैं ये बताना चाहता है कि जब चर्च बनाया तो बुद्धिस्ट किलाब में सोच के चर्च नहीं बनाया गया है चर्च बनाने का अर्थ वो था कि गवर्नमेंट सर्वेस जो क्रिस्तान लोग हैं और जो बिजनेस मैन है जो टूरिस्ट क्रिस्तान लोग हैं वो तो आते रहता है जाते रहता है और वो कभी ख़त्म होने वाला भी नहीं है इसलिए उस धूप को सोच के मैंने एक छोटा सा और वो बनाने वाला भी लंबाई में सिक्स मीटर और चौड़ाई में ट्वेल्व मीटर ऐसा शुरू किया मैंने तो ऐसे शुरू करके और इतना छोटा सा शुरू किया फ्यूचर में जब सकता है तो तार्स होगा ऐसे करके मैंने प्लान करके शुरू किया है बुडिस का खिलाफ बोल के और तवांग वालों का खिलाफ़ सोच के मैंने शुरू नहीं किया है वहाँ का तकलीफ को क्रिस्तन लोगों का तकलीफ को मैंने सोच के किया है लेकिन आज जाके इतना प्रॉब्लम हो गया कि धर्म का लड़ाई जैसा हो गया है तो इसलिए मैं तवांग वालों आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ये जो भी शुरू किया है आप लोग का बुद्धिस्ट का खिलाफ़ मैं बोल के नहीं किया है तवांग वालों को ख़राब सोच के किया वाला नहीं था क्रिस्तान वालों का तकलीफ को सोच के किया था लेकिन आज ऐसा हो रहा है तो मैं आप सभी को मैं ये बोलना चाहता है कि आप लोग साथ देने का जगह में मदद करने का जगह में आ, आप लोग ऐसे मौत कीजिए बोल के मैं आप सभी से भी यह रिक्वेस्ट करता है और हमारे क्रिश्चियन लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता है कि आज जो भी हो रहा है आप लोग का रुपया पैसा आप लोग का रुपया पैसा जो भी चर्च में डाला है वो नुकसान नहीं है प्रभु आशीष देगा और इस रैली में भी हम लोग को झगड़ा करना नहीं है अपना राइट्स को तो मांगना है इतना रुपया पैसा जो पे की रखा हुआ है आज भी मैं एक पास्तौर हो के परमेश्वर का एक एम्बेसाडर बन के मैं तवांग में दस साल रहा लेकिन उसमें मैं तवांग जगह में यीसु मसीह का बारे में गांव-गांव में घर घर में हर एक को मैं बताने के लिए नहीं सका है लेकिन परमेश्वर का प्यार से ईसु मसीह का बारे में सुन के सारा तवांग सेलाटोप से लेके जिमितांग के लोग जिमितांग उस अंदर का लोग सब यीशु मसीह का नाम से लेके ग्राउंड में चर्च का खिलाफ में यीशु का किलाब में सब करा हो गया है यानी कि उसमें पता चलता है कि सब यीशु को तो जान चुका है सुन चुका है तो इसलिए क्रिश्चियन वालों को भी मैं ये बोलता है कि हम लोग जो रैली करने जा रहा है रैली करने से भी कोई भी उसमें झगड़ा मारपीत खराब चीज़ खराब बात हम लोग को नहीं होना है हम लोग अच्छा से उस रैली में भी हम लोग भी अपना अधिकार को मांगना है बोल के मैं अपना क्रिस्तन लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता है और तमाम वालों को भी ये रिक्वेस्ट करता है कि जो भी चर्च बनाया है, हम क्रिस्तन लोगों के लिए बनाया गया है और आप लोग को भी जो सुना है देखा है जाना है नहीं मानता है वो आप लोग का बात है उसमें हम लोग का तरफ से कोई जबरदस्त करेगा बोल के कुछ नहीं है तो इसलिए आ, मैं इस न्यूज़ का द्वारा से मैं आप सभी को आज ये बता रहा है कि वो चर्च वो जगह हकीक़त में वो दल दल जगह था और वो रेजे तेज जगह था आज का जमाना में जे आने का द्वारा फोक लाइन आने का द्वारा समिट रोड आने का द्वारा से आज रेजे तेज जगह ऐसे जगह नहीं रह गया दुनिया में तो इसलिए मैं आज दुनिया लोगों को और जितना भी इस न्यूज़ को सुनने वालों को आप सभी को मैं सच्चाई चीज़ को मैं ये बता रहा है कि वो जो भी हुआ है ये बुद्धिस्ट का किला बोल के किया नहीं है और वो जो भी किया है हम क्रिश्चियन लोगों का तकलीफ को सोच के शुरू किया है लेकिन आज ये हो रहा है तो इसलिए ये बात में इंडिया गवर्नमेंट को भी ये बोलता है अरुणाचल गवर्नमेंट को तवांग गवर्नमेंट को भी बोलता है कि तो इंडिया सबको अधिकार मिलना चाहिए बोलता है लेकिन आज हमारे तवांग में अरुणाचल में ये सब क्या हो रहा है और आज गवर्नमेंट uh, का तरफ से कमेटी बना के भेजा वाला लोग भी और आप लोगों का रिपोर्ट को भी देख के मैं शांति नहीं है वो दाल 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 जगह है उसको आप लोग आज आप लोग का रिपोर्ट को भी मैं सुन के हमको शांति नहीं है इसलिए ये बात को मैं आज बोल रहा है तो इसलिए सच्चाई चीज़ जो ये है इसलिए मेरा तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट तवांग गवर्नमेंट तवांग वालों आप लोग भी सोचिए और जानिए कि तो दिस्टिक्त सब का है और पृथ्वी आकाश समंद्र को बनाने वाला वो परमेश्वर है वो परमेश्वर का किलाप करना तो अच्छा बात नहीं है तो इसलिए बाइबल में ऐसे बोलता है कि आदमी का किलाप करेगा तो माफ मिलेगा और परमेश्वर का किलाप करेगा कभी माफ नहीं मिलेगा बोला है मंदिर मस्जिद चर्च वो परमेश्वर का होता है तो इसलिए मंदिर का किलाब चर्च का किलाब गा का किलाब करना वो अच्छा चीज़ नहीं है यह कमेटी का रिपोर्ट का हिसाब से हम लोग को वो जगह को काली करना है बोला वो जगह को हम लोग काली करके भी कहाँ काली करेगा और हम लोग को नया जगह बोल के भी नया जगह कौन दे सकता है जबकि गवर्नमेंट जगह में नहीं दे सकता है तो फिर प्राइवेट जगह में हम लोग को कौन जगह देगा मेरा जवाब यह है